में कि जो बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर हैं, लेकिन ये बात भी सही है और ये जो है हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ की बात है कि आज भी हिंदुस्तान में लड़की को पैदा होने पे दफन कर दिया जाता है, फीमेल फीटसाइड प्रैक्टिस होती है, गांव में नहीं जैसा कि आप और मैं समझते हैं, इस शहर में, मुंबई शहर में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, महसाना में, सिर्फ इस जुर्म के लिए नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी. Why is it that masculinity is about power, about rippling muscles, about rescuing? Why is masculinity not also about equal respect? Why is it not also about compassion? Why is it not also about dignity? जब तक मर्द और औरत एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, सही मानों में हम औरतों के सशक्तिकरण को पूरी तरह से नहीं मना सकते. तो आप देखिए कि मैंने इन दिनों में ऐसा किया था कि कई सारे टेक्स्ट बुक्स मैंने देखे थे थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि ये तो हम कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन किस तरह की शिक्षा उस पर कम तवज्जो देते हैं. तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ. तो थर्ड स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स में एक सवाल आता है, माँ कहाँ है? आपको क्या लगता है उसका जवाब क्या होगा? माँ रसोई घर में है. उसके साथ दूसरा सवाल होता है, पिता कहाँ है? जवाब होता है, पिता दफ्तर में है. तो मैंने पार्लियामेंट में उठ के ये बात कही थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सवाल हो माँ कहाँ है, जवाब हो माँ दफ्तर में है, पिता कहाँ है, जवाब हो पिता रसोई घर में है. ये क्यों नहीं हो सकता है कि माँ और पिता दोनों रसोई घर में है और माँ और पिता दोनों दफ्तर में है. हम क्यों अपने 3 साल के बच्चों के लिए ये तय कर देते हैं कि लड़कियों का काम अलग है और मर्दों का काम अलग है? इस माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जिस तरह का पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें आज भी लड़के के पैदा होने पर लड्डू बहाए जाते हैं और लड़की के पैदा होने पर आंसू बहाए जाते हैं, हमको अपना ये सोचने की जो ज़हनियत है उसको बदलना होगा. उसके बदलने के लिए हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें लड़की और लड़के का जो रिश्ता है उसके अंदर जो हायरार्की है उसको चेंज करना पड़ेगा. और हम लोग जब नज़र उठा के देखते हैं तो चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, होता ये है कि अगर बच्चा घर पे बीमार है तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि माँ घर पे रहेगी, बाप अपने दफ्तर में जाएंगे. क्यों? माँ डॉक्टर है, माँ आर्किटेक्ट है, माँ पॉलिटिशियन है, माँ के पास वो ही सब मजबूरियां हैं जो शौहर के पास हैं. तो सिर्फ औरत से ये क्यों उम्मीद करी जाती है कि जो पेरेंटिंग का काम है वो सिर्फ लड़की करेगी? क्यों हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर औरत किसी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है और शाम में उसको अपने किसी क्लाइंट्स को एंटरटेन करना है तो उसका शौहर उसके साथ नहीं आएगा? वो बोलेगा मैं जोरू का गुलाम हूं क्या कि तुम्हारे लोगों के साथ जाऊं? लेकिन वो इस बात पे पूरा यकीन रखेगा कि अगर मुझे किसी को एंटरटेन करना है तो मेरी बीवी जरूर मेरे साथ जाएगी. इस तरह की सोच को औरतों ने खुद अपना लिया है. औरतों ने खुद ये समझना शुरू कर दिया कि हाँ ये हमारा रोल है. हमको उससे मुक्ति दिलानी होगी. हमको औरतों को जो बराबरी का मौका नहीं मिलता है वो बराबरी का मौका देना लाजमी है और ज़रूरी है, तभी हम इंटरनेशनल वुमेंस डे को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं. आजकल हमने जो देखा है, जिस तरह का वायलेंस हमको हमारे शहरों में नज़र आता है, हमारे मुल्क में नज़र आता है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड पे ये बात जा रही है. उसमें ये देखा है कि आमतौर पे लड़की को ही दोषी ठहराया जाता है. अगर तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है, अगर तुम्हारे साथ वायलेंस हुआ है तो तुम कसूरवार हो. तुम रात में अकेली क्यों जा रही थी? तुम रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों जा रही थी? तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने थे? तुमने बहरहाल एक सोचने का तरीका है कि अगर लड़की पे जुल्म होता है तो किसी तरह से लड़की ही उसके लिए
रिस्पॉन्सिबल है। पहली बार निर्भया के बाद ये हुआ कि हमारी सड़कों पे लड़कियां और लड़के दोनों साथ आए और उन्होंने कहा शिफ्ट द ब्लेम, शिफ्ट द शेम, शेम द परपेट्रेटर नॉट द विक्टिम। इतना जोर से लड़के और लड़की सामने आए कि सरकार को बात माननी पड़ी और सरकार ने जस्टिस वर्मा कमीशन बिठाया जिसके तौर पर अब एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। पहले लड़कियां बलात्कार जो हैं रिपोर्ट भी नहीं करती थी क्योंकि जब उनके साथ एक इतनी ज्यादती हुई है और वो गए हैं पुलिस स्टेशन में तो पुलिस का रवैया ये होता है कि कसूर तो तुम्हारा ही हुआ होगा, तुमने ही कुछ गलत किया होगा। और जिस तरह के सवाल उस लड़की से किए जाते थे उस लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्बली दोबारा उसका रेप हो रहा है। उसके बाद आप उसको लेकर जाते कटहरी में, आप उसको कोर्ट में लेकर जाते, वहां जिस तरह का डिफेंस लॉयर्स जिस तरह के आपके सवाल पूछते हैं उससे आपको लगता है कि तीसरी बार हमारे साथ बलात्कार हो रहा है, इसलिए लड़कियां रिपोर्ट नहीं करती थी। अब क्योंकि जस्टिस वर्मा कमीशन का एक प्रोटोकॉल है कि जब आप जाएंगी जिस तरह से आप अपना FIR दर्ज करेंगी, जिस तरह के सवाल पुलिस को पूछने की इजाजत है, ये सब स्टैंडर्डाइज हो गया है और ये एक अच्छा तरीका है ये बोलने के लिए कि वो लोग जिनको जो पुलिस में है, वो लोग जो हमारे बड़े बड़े पोजीशंस पर हैं, उनको समझना जरूरी है कि इक्वालिटी की बात इस मुल्क के लिए जरूरी है क्योंकि ये मुल्क प्रगति कर ही नहीं सकता अगर इसकी 50% लोग और आबादी पीछे रह जाए। मगर मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं कि जब औरतों का सशक्तिकरण हुआ, when women become empowered, I would hope that they change the notion of power itself so that it becomes not about the powerful wielding power on the weak, but it becomes a sharing of power. If when women become powerful, they're going to behave exactly like men, there's going to be no change in our society. The fact that we are women should inform our attitude towards the world. मैं समझती हूँ कि मर्द और औरत एक दूसरे से अलग हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेहतर हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमतर हैं, मगर मैं समझती हूँ औरतों का सोचने का तरीका अलग है और वो जो अलग तरीका है सोचने का उसको हमको डिबेट में लाना है। हमको ये कहना है कि चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, हमारा सोचने का तरीका डिफरेंट है और उस सोचने के तरीके में हमको शामिल कीजिए। लेकिन कुछ भी ऑटोमेटिकली नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत सैड किस्सा बनाती हूँ। ये जब निर्भया के बाद ये तय किया था कि नहीं नहीं पुलिस स्टेशन में औरतें ही होना चाहिए, औरतें जो है पुलिस अफसर होंगी तो बेटर होंगी, लेकिन औरतों ने भी तो वही पेट्रियाकल माइंडसेट इंटरनलाइज किया है। तो एक औरत को उसके पति ने बहुत बुरी तरह से मारा था, उसकी आंख फूट गई थी, उसका हार्ट टूट गया था, तो वो डर रही थी और जाना नहीं चाह रहा था पुलिस के पास। लेकिन मानुषी जो मैगजीन है उसने कहा कि नहीं, आपको FIR तो दर्ज करवाना पड़ेगा। वहां एक पुलिस ऑफिसर औरत बैठी, वो बार बार उससे सवाल कर रही थी कि तुमने क्या किया आज, क्या गलती की कि तुम्हारे शौहर ने तुमको पीटा। तो उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया। तो कहने लगी कि तुम्हारे शौहर क्या पागल है कि बिला वजह तुमको मारा था, कुछ तो तुमने किया होगा, बताओ सुबह से तुमने क्या किया। तो औरत ने कहा मैंने कपड़े धो के सुखाने के लिए रखे थे और बारिश आ गई और मैं कपड़े उठाना भूल गई। तो वो पुलिस ऑफिसर कहती देखा मैंने कहा था तुम्हारा कसूर है। अभी तो हम हंस रहे हैं लेकिन ये कितनी तकलीफ की बात है। इस तरह से हमारे सोसाइटी में कितनी औरतें हैं जिनके माँ बाप के पास वो जाती हैं और कहती हैं कि मेरे शौहर ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो कहते हैं शौहर ही तो है, ये थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, उसके लिए आप शादी थोड़ी छोड़ के आ सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस हमारे DNA में आ चुका है। और जब आप गाँव में जाते हैं और गांव में देखते हैं तो जो 8 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का है
पोजीशंस में दुनिया भर का फर्क है, क्योंकि वो 8 साल की लड़की घर का पूरा काम करती है, वो अपने छोटे भाई बहनों का काम करती है, उसको स्कूल नहीं जाने देते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं भाई स्कूल जाएगा। ये चीजों को जब हम बदलना शुरू कर देते हैं, मैं एक बहुत छोटे से गांव में मिजवा आजमगढ़ में जहां मेरे पिताजी की पैदाइश हुई वहां काम करती हूँ, और ये बिल्कुल गांव की लड़कियां थी, ये कभी निकली भी नहीं थी अपने गांव से। भारत किसी तरह से उनको हमने पढ़ा लिखा कर, और उन्होंने अपने आप दहेज के ऊपर एक प्ले लिखा, और जयपुर में जाके वो अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकली थी, लेकिन एक इंटरस्टेट लेवल पर जाकर उन्होंने अपना प्ले किया और उनको पहला नंबर मिला। तो आप सोचिए वो लड़की, हमारे गांव में ये बहुत होता था कि लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती थी, 12 साल की उम्र में सब लोग अपना सिंदूर लगा के आ जाते थे, और हमने बहुत कोशिश की थी इसको नहीं करने की, लेकिन वो कहते थे कि ये हमारे पास ट्रेडिशन है, ये वो, हमने बहुत बोला ये गैर कानूनी है, मत करो, ये लड़की की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कोई नहीं माना। अब जब इनको हमारी स्कूल की कैफे आजमी स्कूल की लड़कियों को ये अवार्ड मिला, तो वो लड़की ने आके स्कूल में कहा कि इस अवार्ड की बुनियाद पर मैं अपनी किस्मत बदलूंगी, मैं अपने माँ बाप को ये बताऊंगी कि मैंने कुछ करके दिखाया है, तो अब आप मुझे मौका दीजिए कि जिस तरह से मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं जीऊंगी, और मैं 18 साल से पहले शादी नहीं करूंगी। पूरे स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर्स, सब ने शपथ ली, ये शपथ ली कि अगर इस एरिया में किसी भी लड़की को 18 साल से पहले उसकी शादी पर जोर लगाया जाएगा तो सब के सब जाके वहां धरना करेंगे। और इतना छोटा सा गांव, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। तो जिस चीज को हमको बदलना है वो है हमारी सोच, सोच जिसमें ये माना जाता है कि लड़का जो है किसी भी वजह से लड़की से सुपीरियर है। हमने ये देखा है कि जहां जहां लड़कियों को बराबरी का मौका मिला है, हमने ये देखा है कि जब आप CBSE एग्जाम्स देखते हैं तो ज्यादातर होता ये है कि लड़कियां जो है लड़कों से बेटर करती हैं। तो इक्वल, और जो बराबरी की अपॉर्चुनिटी है, बराबरी की अपॉर्चुनिटी हमको अपना हक समझ के लेना चाहिए। मेरे पिताजी ने आज से 70 साल पहले एक नज्म लिखी थी औरत, जिसमें उन्होंने कहा था जिंदगी जहद है सब्र के काबू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत खमे गेसु में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। आशा मैडम, डॉक्टर फेरवानी, डॉक्टर खुदाई जी, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड प्लीज। Thank you, ma'am. We thank you on behalf of the hospital for being a part. Okay.
We now continue with our cookery show as well as the dance session. We have a session for Magic Bar students. The dance session, Tanya will just arrange it. We'll just arrange it in 10 minutes. We request you to be here. Thank you all. मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जो कई सदियों में एक साथ जीता है. हम लोग 19वीं 20वीं और 21वीं सदी में एक साथ जीते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. तो जब हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो हिंदुस्तान में एक तरफ से हमारी प्राइम मिनिस्टर महिला रह चुकी हैं, हमारी प्रेसिडेंट महिला रह चुकी हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोजिशन में महिलाएँ हैं. लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज भी लड़की को पैदा होने पर उसका गला घोट दिया जाता है और फीमेल फीटिसाइड आज भी प्रैक्टिस की जा रही है. हमारे शहर में, साउथ मुंबई में, साउथ दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तो ये स्थिति जो है चेंज होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी समाज, कोई भी मुल्क अपने आप को सभ्य नहीं कह सकता अगर उसकी 50% आबादी जो उसकी महिलाएं हैं वो पीछे रह जाएं. इसलिए ज़रूरी है कि हम बराबर का मौका अपनी महिलाओं को दें, बराबर का मौका अपनी लड़कियों को दें, उनकी तालीम की फ़िक्र करें, उनके किसी तरह की उनके पास सलाहियत होनी चाहिए जिसके ऊपर वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके. Thank you.